हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज होप यू कॉनर हुस आर डूइंग वेल तो आज हम क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स द हरपन सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं इस चैनल के ऊपर क्लास ट्वेल्थ ही पॉलिटिकल साइंस और जोग्राफी को भी पढ़ाती हूँ तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो मैं क्लास टेंथ के सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट को भी पढ़ाती हूँ तो उनको भी अगर आपका कोई जूनियर है तो आप उसको रेफर कर सकते हो इट वुड मीन अ लॉट टू मी ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली एक वन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम विदिन फोर्टी फाइव मिनट्स कम ट चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑल्सो जो हमारी बुक में कुछ कुछ बॉक्सेस पर्पल रेड और ब्लू बॉक्स पर्पल जो होते हैं वो हमारे सोच बेस क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ये जो पीपीटी का लिंक है इसको आप एज ए नोट रेफर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके बाद हर टॉपिक के बाद हम उससे रिलेटेड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ वीडियो के एंड में क्योंकि अभी तक हमारे पास पेपर पैटर्न का कोई भी आइडिया नहीं है तो मैंने एमसीक्यू भी कुछ इंसर्ट कर दिया है ठीक है एंड ऑल्सो मैप वर्क भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो के एंड में करने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्द डू लेट्स इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें इंडस वैली में पढ़ना है ठीक है हम क्लास 11 के अंदर के बारे में पढ़ के आए थे एंड जब तक 1924 के अंदर ये अनाउंस नहीं हुआ था कि इंडिया के अंदर भी एक ऐसी मिली है हम यही मानते थे कि इजिप्टन या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन की लेकिन जब हमने एक्जिबिट किया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी डाल दिया गया एंड अब हम ये कंक्लूड कर सकते

ग्रो कर रही होती थी। है ठीक है एरिया अगर हम देखते हैं तो आता है अफगानिस्तान वाला जम्मू कश्मीर वाला बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में चला गया और गुजरात वाला इन एरियाज को कवर किया हुआ था इस सिविलाइजेशन है थी। ठीक है अब ये जो सिविलाइजेशन है इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी सिटीज़ कह लो साइट्स कह लो आप कुछ भी कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थे थी। ठीक है उनके अंदर से जो पहली साइट जो मिली थी जो फाउंड हुई थी रिसर्चेज में वो थी हरप्पा इसीलिए हम इसको हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं ठीक है तो अब एक बेसिक सा आइडिया हमें लग गया इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर थी उसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते इन इन, इन एरियाज को कवर किया हुआ था ठीक है अब सिविलाइजेशन से मतलब क्या है सिविलाइजेशन से मतलब है यार कल्चर ठीक तो है तो आर्कियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं इस कल्चर को कि वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम मिलते थे जो उस एरिया को डिफरेंट बनाते थे बाकी एरिया से ठीक है अगर हम बात करते हैं इंदिस वैली सिविलाइजेशन तो यहाँ पे कल्चर से हमारा मतलब है वो डिफरेंट सील्स जो उनकी सील्स का मतलब होता है स्टैंप मोहर इस चैप्टर में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है तो हम थोड़ा सा आइडिया यहीं से लेके चल देते हैं इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे इनका जो वेट मेजरिंग सिस्टम था इनकी जो स्टोन ब्लेड्स थी और इनकी सबसे यूनिक फीचर बेक ब्रिक्स इसके अलावा जो यहाँ का प्लानिंग मॉडल था ड्रेनेज सिस्टम था ठीक है वेयर हाउस बनाए हुए थे एग्रीकल्चर तो ये जो डिफरेंट था इनका तरीका इनके ऑब्जेक्ट्स इनकी एविडेंसेस ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर ठीक है अब बेसिकली मेसोपटेमियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उनको पढ़ लिया गया है वहाँ के लोगों ने पहचान लिया है तो उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफोर्ड है हम उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हमें वो अभी तक समझ में नहीं आई है उनका जो सिंबल है लैंग्वेज है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया है इसीलिए ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ये जो हमें एविडेंसेस मिले हैं इन्हीं के बेस पे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट साइड पे चलते हैं तो बिगनिंग पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को तीन टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया गया है पहली हमारी अर्ली हरप्पन जो थर्टी सॉरी 3300 थ्री से लेकर 2600 सौ तक थी सेकंड है मेच्योर हरप्पन फेज जिसको हम मेजर फेज मानते हैं जिस टाइम पे इंडस वैली इवॉल्व हुई थी दैट इज बिटवीन ट्वेंटी टू नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्ड वन इज लेटर हरप्पन स्टेज ठीक है तो बेसिकली अर्ली हरप्पन स्टेज के अंदर ये माना जाता है कि एक सेटलमेंट एग्जिस्ट करती थी वो काफ़ी छोटी थी वहाँ पे घर छोटे थे ठीक है उस टाइम की बड़ी बिल्डिंग के कोई भी एविडेंस नहीं है लेकिन बिकॉज ऑफ सम स्केल ऑफ बर्निंग या किसी ऐसी नेचुरल फैक्टर की वजह से वो सेटलमेंट वहाँ से डिसअपियर हो गई थी और एक नई सेटलमेंट इस्टेब्लिश हुई थी मेच्योर हरप्पन फेज के अंदर जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर फोकस ऑफ एरिया मेजर स्टडी जो हो होती है वो हमारी मेच्योर फेज के अंदर होती है ठीक है अब फीचर्स देखते हैं मेच्योर फरप्पन सॉरी मेच्योर फेज के तो यार जब इन साइट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारे आर्क्यो बायोटनिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करते थे ठीक है हमें फिश की बोन्स मिली है साथ के साथ वीट बार्ले लेंटल वगैरह के ग्रेन्स मिले हैं ठीक है सिमिलरली जब आर्क्योजोलॉजिस्ट ने अपनी कंक्लूजन दी तो दे आइडेंटिफाइड कि वहां के लोग ना सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम करते थे वो उनको डोमेस्टिकेट भी करते थे जैसे कैटल शिप बोट बफ्लो पिग एट्सेट्रा इसके अलावा हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे बोट डियर और घरियाल की बोन्स भी मिली है ठीक है तो वे से अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वहां के जो लोग थे फॉर द सर्वाइवल पर्पज वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उन्होंने इन्वेंट की थी ठीक है 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 इवन दो जो मेथड ऑफ वो वो अभी तक क्लियर नहीं नहीं उसका कोई भी एविडेंस कि क्यों करके करते थे या कोई और तरीका था ठीक है बट हमें काफी सारे और एविडेंसिस मिले जैसे कि हमें चौलस्तान और बनवाली जो कि हरियाणा के अंदर दो साइड से वहां से हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग मिली थी जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी प्लग को इन्वेंट कर लिया था ठीक है सिमिलरली कालीबंगन एक साइट है राजस्थान के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही जहां से हमें यह पता चला था कि ये मल्टी क्रॉपिंग को प्रैक्टिस कर रहे थे तो बेसिकली ये लैंड को दो या तीन रोज के अंदर ग्रो करते थे जो सील्स एंड सील्सम के ऊपर हम हमें बुल के या फिर ऑक्सीजन के साइंस मिले थे जिससे इवेंचुअली हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि बुल और ऑक्सीजन को प्लगिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे थे इसके अलावा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारे हार्वेस्टिंग टूल्स को भी आइडेंटिफाई किया है ठीक नेक्स्ट जो मेजर फाइंडिंग थी वो ये थी कि ज्यादातर जो साइट्स थी वो सेमी एरिड रीजन के अंदर थी जो इंडिकेट करती थी कि इरिगेशन को वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है हमें शौरंगान ताई अफगानिस्तान से कैनाल के ट्रेसेस भी मिले हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक नहर बना ली थी लेकिन पंजाब और सिंध से ऐसी कोई भी कैनाल हमें नहीं मिली है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता वो वेल्स का यूज कर रहे हो इरीगेशन के लिए इसके अलावा हमें धोलावेरा गुजरात के अंदर एक वाटर रिजर्वर भी मिला है जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो वाटर को स्टोर भी करके रख रहे थे ठीक है अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ आर्टिफिक्स आर आइडेंट कैसे ये लोग इनको पहचान रहे हैं मतलब कैसे ये जो आर्कोलॉजिट है वो ये कंक्लूड कर पा रहे हैं हालांकि हमारे पास कोई रिटर्न स्क्रिप्चर नहीं है बट इन एविडेंसेस के बेस पे वो कैसे ये सारी चीजें बना पा रहे हैं ठीक है तो बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे एक सेडल कोरन दी गई है इस इमेज के अंदर आप बुक में देख लेना वहां पर आप अच्छे से जूम करके देख सकते हो पीडीएफ वगैरह में ठीक है यहाँ पे आप ज्यादा जूम नहीं कर पाओगे तो सेडल कोरम जब इन्हें ये एक एविडेंस मिला था तो कहीं ना कहीं इनको ये हमारा जो आज के टाइम पे सिलवटा होता है घर के अंदर जिसके अंदर हम चटनी वगैरह पीसते हैं उससे बहुत ज्यादा सिमिलर लगा था ठीक है तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं जब भी इनको कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई भी ऐसा डिवाइस ऑब्जेक्ट मिलता है वो उसको एनालाइज करते हैं कि आज के टाइम पे ऐसा कोई उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट है क्या तो वो उसको प्रेजेंट डे एनालॉगी से एनालाइज करते हैं और फिर उसको किसी तरीके से उसको रिजेंबल करके मॉडर्न फीचर्स से उसको कैटेगराइज करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं अपनी खुद की एक्जशन बनाते हैं कि हाँ इसको इस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है ठीक है तो सिमिलरली सिडल क्रम का एक आइडेंटिफाई किया कि सिलवट्टे से मिलता जुलता है तो उन्होंने ये लगा कि क्या पता ये किस ग्राइंडिंग सीरियल्स इन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा ठीक है तो इस तरीके से वो आइडेंटिफिकेशन का काम होता है अब हर्ड टॉपिक पे आते है तो दैट इज मोह दारो अ प्लांट अर्बन सेटलमेंट ठीक है तो ये जो प्लानिंग वाला सिस्टम था ठीक है कि किस तरीके से उन्होंने प्लान करके प्रॉपर हाउस बनाए हुए थे जो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड थे ये सबसे यूनिक फीचर है हमारी हरप्पन या फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन का ठीक है यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है प्लाइट ऑफ हरप्पा ब्लू बॉक्सेज हमारी बुक में दिए हुए हैं तो बेसिकली जब हरप्पा साइट को आइडेंटिफाई किया गया था जब वो मिली थी तो वो इतनी ज्यादा सही तरीके से नहीं थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज थी तो एक एजम्पन लगाई जाती है कि मे बी ब्रिक रॉबर्स ने इस एरिया की ब्रिक्स को ऑलरेडी चुरा लिया है तो काफी हद तक हो चुकी थी उस पे हमें ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले थे लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब हमें एक सेकेंड साइट मिली थी दैट वॉज मोहनजारो वो काफी वेल well प्रिजर्व थी ठीक है और अब उसका जो फीचर था वो इतना ज़्यादा डैमेज डैमेज या डिमोलिश नहीं था तो हम इस साइट के बेसिस पे अपनी जजमेंट्स जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने दी थी उसको हम पढ़ते हैं ठीक है तो महंझदारो की अगर हम बात करते हैं तो मौंजदारो एक बड़ी लार्ज सिटी है एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन पहला होता था हमारा सीटाडल और दूसरी होती थी हमारी लोअर वैली ठीक है तो सीटा सपोज ये इधर वाली साइड होता था ये छोटू वाला है इसका जो साइज होता था स्मॉल होता था लेकिन ये एक ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था पहले नीचे मिड सॉरी मड और ब्रेक का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था उसके ऊपर फिर प्रॉपर ये बनाया हुआ था जिसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी ठीक है और इसके चारों तरफ वॉल्स थी जो इसे लोअर टाउन से सेपरेट करती थी ठीक है अब आते हैं लोअर टाउन के ऊपर तो लोअर टाउन जो थी वो साइज में तो काफी बड़ी थी लेकिन ये लोअर वैली पे मतलब प्लेन सरफेस पे नीचे थी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी हुई थी तो ये डिपेंड करती है कि ये रेजिडेंशियल टाउन थी यानी यहां पे मेन पॉपुलेशन रहती थी ठीक है अब यहां से इसका जो स्ट्रक्चर उसको देख के ये अपीयर होता है कि इसको पहले प्लान किया गया था प्रॉपरली उसके बाद इसको बनाया गया था ठीक है कि एक फिक्स एरिया को पहले सर्टिफाई किया गया था और उसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग साथ घर वगैरह को बनाया गया था ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर फीचर जो है इसका जदारों का या पूरी ओवरऑल हम हरप्पन सिविलाइजेशन का मान सकते हैं वो थी ब्रिक्स तो यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज हुई थी वो या तो सनड्राइड थी या फिर वो बेड थी ठीक है साथ के साथ एक स्टैंडराइज रेशियो को यूज किया जाता था मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पर हमें यही इसी स्टैंडर्ड रेशियो की ब्रिक्स मिली है जिनकी लेंथ और जो ब्रेथ होती थी वो ट्वाइस सॉरी फोर टाइम्स होती थी और उनकी हाइट ट्वाइस होती थी ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट हमें सभी साइट्स के अंदर देखने को मिला है ठीक है तो ये काफी यूनिक फीचर था कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही सारी साइट्स को डेवलप किया गया था ठीक है अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है दैट इज लेइंग आउट ड्रेन्स तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर था तो यहाँ पे प्लान ड्रेनेज सिस्टम था तो बेसिकली क्या होता था हर घर से जो पतली पतली ऐसी नालियां बन के आती थी और वो स्ट्रीट की जो मेन नाली होती थी उससे मिल जाती थी और इवेंचुअली आगे जाके ये बड़े ड्रेन के अंदर जाके मिलती थी ठीक है तो बेसिकली सोर्स दिया हुआ है जो हमारा सोर्स सेकंड है दैट इज मोस्ट एंशियंट सिस्टम या डिस्कवर तो यहाँ पे मैके ने अपनी आर्ग्यूमेंट दी हुई है तो बेसिकली यही बताया गया है कि हर घर को स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट किया गया था घर के अंदर से एक छोटी सी नाली आती थी जो स्ट्रीट वाली नाली के अंदर आके इकट्ठी होती थी अब ऐसा नहीं होता था डायरेक्टली पानी यहाँ पे आता था तो जो घर का जो पानी होता था जो हाउस का जो ड्रेनेज होता था वो पहले एक संप या फिर सिर्स पैट के अंदर आता था जिसके अंदर इवेंचुअली क्या होता था जो सॉलिड मैटर होता था वो नीचे सेटल डाउन हो जाता था उसको बाद में वो क्लीन कर लेते थे और जो पानी था सिर्फ पानी था वो आगे स्ट्रिट रेंज के अंदर जाता था ठीक है तो ऑलरेडी इन्होंने ये फिल्टर का भी सिस्टम बनाया हुआ था कि जो पानी जा रहा है वो सिर्फ पानी जा रहा है सॉलिड वेस्ट को ऑलरेडी घर में रह गया है सिस्पेट के अंदर उसको बाद में उठा के अलग से फेंक देंगे ठीक है इसके अलावा जो मेन चैनल था या फिर जो मेन जो आ, हमारा जो ड्रेन था वो ब्रिक्स का बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ कवर किया हुआ था ताकि उसको उतार करके उस कवर को हटा के उस मेन चैनल की भी सफाई की जा सके ठीक है तो देख रहे हो ऑलरेडी कितने प्लांट थे राइट तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जैसे टू में फाइव मार्क्स में आया कि जो ड्रेनेज सिस्टम था हरप्पन सिविलाइजेशन का वो टाउन प्लानिंग को इंडिकेट करता है

होता था उसमें किसी भी रूम के अंदर विंडो नहीं होती थी साथ के साथ के एंट्रेंस को कुछ इस तरीके से से फ्रेम किया गया था था कि वहां से इंटीरियर अंदर का कोई भी व्यू नहीं देख सकता था। ठीक है Secondly, हर घर के अंदर अपने खुद के बाथरूम होते थे जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होते थे इसके अलावा काफी घरों के अंदर स्टेयर केस के रिमेन्स मिले जो पॉइंट करते हैं कि मे बी सेकेंड स्टोरी या फिर छत होती थी ठीक है इसके अलावा काफी घरों के अंदर वेल्स तक भी मिले और यह एस्टिमेट किया गया है कि ऑलमोस्ट सेवन वेल्स मिले हैं मौजदारों के अंदर ठीक है अब हमें एक बार सीता डेल को डिटेल में पढ़ना है तो सीता डेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था जिससे साइंटिस्ट ये या आर्कियोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मे बी ये किसी स्पेशल पर्पस जैसे कि रिचुअल बात या फिर किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसको यूज किया जाता होगा ठीक है तो बेसिकली सीता डेल के अंदर अब दो स्ट्रक्चर्स थे एक था हमारा वेयर हाउस और एक था ग्रेट बात तो वेयर हाउस बेसिकली एक बड़ा सा मैसेज स्ट्रक्चर था जिसका जो चार दीवारी थी वो ब्रिक से बनी हुई थी और उसका ऊपर वाला सर्फेस जो था वो मे बी वुड से किया गया था वुड से बनाया गया था जो कि विद टाइम डिके हो गया तो उसका छत अभी इतनी कुछ खास तौर पे बची नहीं है ठीक है और इसको यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि मे बी इसको ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज किया जाता हो सेकेंडली अगर हम ग्रेट बात पे आते हैं तो ये था मोस्ट फीचर ठीक है तो बेसिकली ये जो सेटेडल था उसके बीचों बीच एक बड़ा सारा रेक्टेंगुलर टैंक था ठीक है और इसके चारों तरफ कॉरिडोर्स थे दो तरफ से सीडी आर नॉर्थ और साउथ से इस तरीके से इमेजेस में आपको दिख रहा होगा ठीक है बाकी ये जैसे मान लो हमारा ग्रेट बात है इसकी तीन साइड रूम्स होते थे और एक चौथी साइड एक बहुत बड़ी सी दीवार होती थी ठीक है इसके अलावा अब यहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली कनेक्ट किया गया था जो टैंक का गंदा पानी होता था वो डायरेक्टली मेन ड्रेन के अंदर जाता था सिमिलरली यहां पे आठ वॉशरूम थे देखो इधर चार इधर और चार इधर आमने सामने ठीक है वॉशरूम्स को भी प्रॉपर ड्रेन के साथ कनेक्ट किया गया था जो मेन ड्रेन के अंदर जाके मिल जाते थे ठीक है तो बेसिकली इस फीचर को देख के यही आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि मे बी ये किसी रिलीजियस पर्पज के लिए हो सकता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट सीटा मिले उनके अंदर काफी सारे वेरिएशन है जैसे कि धोलाविरा और लोथल गुजरात के अंदर जो भी सीटा ले उनके अंदर पूरी सेटलमेंट्स को ही इस तरीके से सेपरेट किया गया था वॉल्स से कि वो कंप्लीटली फोर्टिफाइड था ठीक है वहीं अगर हम लोथल का एग्जाम्पल देखते हैं तो लोथल के अंदर जो थीटा डल था उसके चारों तरफ वॉल्स ही नहीं थी ठीक है तो वेरिएशनस भी हमें काफी जगह पे देखने को मिलती है नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस बेसिकली इस टॉपिक में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई हाईराइकल डिफ्रेंसिएशन था यानी कोई अमीर गरीब का कोई भी डिविजन था या नहीं ठीक है तो इसको हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वन बाय बरियल एंड सेकंड बाय लग्जरीज ठीक है तो यहाँ पे एक बेसिक सा कैसे हम बरियल से आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें क्लास इलेवंथ के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था किंग ट्यूट के बारे में लुकिंग फॉर किंग ट्यूट तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता था वो एक इजिप्टियन किंग होता था लेकिन जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको जब बरी किया गया था उसके साथ उसके सारे सोने गहने सारा पैसा रख दिया गया था ठीक है बिकॉज दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट की लाइफ आफ्टर डेथ और क्योंकि वो उसी का पैसा था तो उसके साथ उसको बरी कर दिया गया था ठीक है तो ऐसे इजिप्टियन पिरामिड के अंदर हमें काफ़ी सारे ऐसे बरीज मिले हैं जिनके अंदर वेल्थ थी उसके साथ ठीक है लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी प्रेशियस मटीरियल नहीं मिला है ठीक है जो डेथ्स होती

तो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि क्या पता जिन लोगों के पास पावर में हो या पैसे हो जो बड़े लोग हो उनके लिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके अंदर उनको बरी किया जा सकता है बट वी आर नॉट श्योर ठीक है हमारे पास कोई भी एविडेंस इसका नहीं है ठीक है सेकेंड पॉइंट पे आता है दैट इज लुकिंग फॉर लक्जरीज तो बेसिकली जो आर्कोलॉजीज होते हैं वो दो कैटेगरीज क्लासीफाई करते हैं करते यूटिलिटेरियन है और दूसरी होती है लक्जरीज ठीक है तो यूटिलिटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डेली यूज़ के होते हैं बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सबके पास मिलते हैं जैसे निडल्स पोइट्री करेंस ठीक है लग्जरी ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं साथ के साथ कॉस्टली होते हैं और नॉन लोकल मटेरियल यानी वो किसी दूसरे एरिया से इंपोर्ट करके बनाए गए होते हैं इसका एग्जांपल है पोर्ट्स ऑफ यान से तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे रिसर्चर्स थे उनको काफ़ी सारी जो मोहजदार और हप्पन वाली साइट थी उसके अंदर ये पोर्ट मिला था पोर्ट ऑफ फान से ठीक है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था इसमें यूजअली परफ्यूम बॉटल्स की तरह इनको सेव करके रखा जाता था और काफ़ी सारे हमें गोल्ड के एविडेंस भी मिले हैं वो भी हमें हरप्पन या फिर मोहंझदारों वाली साइट्स पर मिले हैं तो यहाँ से एक डाउट आता है कि मे बी और हरपन क्योंकि बड़ी साइट्स थी तो यहाँ पे थोड़े अमीर लोग या फिर पावरफुल लोग रहते होंगे जिन्होंने इवेंचुअली इन चीज़ों लग्जरी ऑब्जेक्ट्स को रखा था बट अगैन हमें लग्जरी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं मिले तो हम थोड़ा बहुत ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वहां पर डिवीजन था भी तो वो इतने बड़े स्केल पर नहीं था कि मेजर स्केल पे नहीं था ज्यादा डिफरेंस नहीं था ठीक है होर्ड्स का एक टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है एक रेड कलर के बॉक्स के अंदर तो बेसिकली होर्ड का मतलब होता है आ, इकट्ठा करके रखना एक तरीके से है ना उसको रख लेना तो बेसिकली लोग क्या करते थे जैसे आ, किसी भी पोर्ट या फिर किसी भी कंटेनर के इनसाइड अपने ज्वेलरी या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रख लेते थे कि इन फ्यूचर उसकी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उनको यूज़ कर लेंगे ठीक है लेकिन जब यहाँ पे आ, रिसर्चेस हुई तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को काफी सारे ऐसे होर्ड कंटेनर के अंदर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले थे ठीक है इवेंचुअली उन्होंने कभी यूज नहीं किए होंगे उनके काम नहीं आए होंगे तो बच गए होंगे तो वो हमारे एज एविडेंस के तौर पर मिले थे ठीक है तो बेसिकली इस टॉपिक में हम एविडेंसेस नहीं है बट हम दो पॉइंट्स पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने ट्राई किया कि लग्जरी और बरियल्स के बेसिस पे स्टडी किया जाए उनके अंदर हमें कुछ कुछ रेफरेंसेस मिले हैं बट दे आर नॉट श्योर ठीक है इसके बाद फिफ्थ टॉपिक पे आता है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन तो यहां पे बेसिकली हम हरप्पन सिविलाइजेशन की क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पे बनाए जाते थे फिर किस तरीके से उनको बड़े अर्बन सेंटर्स के अंदर इंपोर्ट किया जाता था छोटी छोटी सेटलमेंट्स बना दी गई थी ठीक है तो यहां पे सबसे छोटी एक सेटलमेंट का नाम दिया गया है, जिसका नाम था चौहनदारो ठीक है जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान सिंध वाले एरिया के अंदर है हालांकि एरिया के अंदर मोहंजदारों से भी बड़ी छोटी थी सिर्फ सात एक्टेयर की थी लेकिन विद रिगार्ड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स थी ठीक है इसके अंदर बेड मेकिंग का काम होता था शेल कटिंग का काम होता था मेटल वर्किंग सील मेकिंग फिर वेट मेकिंग ऐसे ऐसे कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज को यहां पे कैरी आउट किया जाता था ठीक है सिमिलरली दो साइट्स दी गई हैं नागेश्वर और बालाकोट ठीक है तो ये जो थी ये कोस्ट के आसपास लोकेटेड थी इसीलिए यहां पर जो ज्यादा प्रोडक्शन होती थी वो शेल ऑब्जेक्ट्स की होती थी जैसे मैंगल मेकिंग हो गया ये सब हो गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है टेक्निक्स फॉर मेकिंग बिट्स तो बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता था लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस पे हम बोल सकते हैं कि ग्राइंडिंग पॉलिशिंग और ड्रिलिंग कुछ ऐसे प्रोसेस थे जो इसका पार्ट होते थे ठीक है अब एविडेंस के बेस पे हमें चौहानदार और लोथल और धोलावेरा के अंदर काफी स्पेशलाइज ड्रिल्स मिली है जो ये इंडिकेट करती है कि ये जो एरियाज थे दीज वर कंसिडर्ड एज द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे ठीक है अब बेसिकली क्या होता था इन सेटलमेंट्स के अंदर अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे और उनको बाद में मोहदार और हरप्पा जैसी अर्बन सेंटर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था ट्रेड परपज के लिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है बहुत सिंपल है वहां पर जो रॉ मेटीरियल रहा है ठीक है जैसे कि हमने पढ़ा नागेश्वर या बालाकोट कोस्ट के पास थे तो उन्हें शेल वाले ऑब्जेक्ट ज्यादा मिलते थे इसीलिए वहां पर वो वाले ऑब्जेक्ट ज्यादा बनते थे ठीक है नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रेशियस स्टोन्स तो बिड्स को बनाने के लिए काफी सारे स्टोन्स को यूज किया जाता है गोल्ड कॉपर जेस्पर शेल्स टेराकोटा बॉन्ट्ले इन सबको यूज किया जाता है ठीक है तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग लग गई है कि विद इन इन इंदस वैली सिविलाइजेशन काफी छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी तो वहां के रॉ मटीरियल के बेसिस पे वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाती थी जिनको बाद में बड़े टाउन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखा गया है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोकरिंग रो मटेरियल प्रोकर का मतलब होता है ऑप्टेनिंग ठीक है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रो मटेरियल्स थे जो एक तो हमारी लोकल एरिया में अवेलेबल थे जैसे कि किले उसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है लेकिन कुछ और मटेरियल्स थे जैसे स्टोन हो गया टिम्बर हो गया मेटल हो गया जिसको हमें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर से ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता था ठीक है तो अब हमें यहाँ पे दो एविडेंस मिलते हैं एक तो होता है टेराकोटा टॉय मॉडल का जो बेसिकली लैंड uh, रूट के ऊपर लोगों को या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था ऐसा हमें एक मिला था स्ट्रक्चर ठीक है सिमिलरली हमें रिवराइन रूट्स मिले हैं और हमें बोट्स के या फिर शिप्स uh, के कुछ सेल्स मिले हैं जिससे ये हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मे बी दूसरी कंट्रीज़ के साथ इनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है कि वो रिवर्स के थ्रू भी ट्रेड कर रहे थे ठीक है अब जो हरपंस थे वो मेटीरियल uh, क्राफ्ट को दो तरीके से ऑक्यूपाई करते थे पहला होता था बाय एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट एंड दूसरा होता था बाय सेंडिंग एक्सपीडिएशन ठीक है तो बाय पहले तरीके से पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी खुद की सेटलमेंट्स बना ली जैसे अभी हम पढ़ के नागेश्वर और बालाकोट हो गई ठीक है शेल वाले काम के लिए इसी तरीके से शोरतुगाई अफगानिस्तान के अंदर लपीज लजूली करके एक ब्लू स्टोन होता था जो बहुत हाई वैल्यूड उसके प्रोडक्ट्स वहां पर बनते थे ठीक है अब लोथल एक इन्होंने अपनी खुद की सेटलमेंट बना ली थी जो कि केरालाइन हमें मिल जाता था उसी के पास गुजरात से वहीं पर सीटीआईट जाता था, ये सब के नाम है, और मेटल भी मिल जाता तो है जो हमें चाहिए थे, जो नहीं पता था कहां से मिलेंगे ठीक तो है मतलब हम ये निकाल सकते खोज करता ठीक है एक्जेक्ट नेट के ऊपर हम सर्च करेंगे तो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है बट हम बोल सकते खोज करता तो ये क्या करते यहाँ के कुछ लोगों को भेज देते थे वो दूसरे एरियाज के अंदर जैसे वो साउथ इंडिया के अंदर गए खित्री रीजन राजस्थान को एक्सप्लोर करते करते वो वहाँ पे चले गए थे एंड दे फिगर्ड आउट कि यहाँ पे ये रो मटेरियल है तो वहाँ पे जाके वो जो लोकल ट्रेडर्स या लोकल ऑक्यूपैंट होते थे उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाते थे और फिर वहाँ से सामान को इम्पोर्ट करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लेके आते थे ठीक है जैसे कि खेतरी रीजन से कॉपर को लाया गया है साउथ इंडिया से गोल्ड को लाया गया है ठीक है अब ये हम कैसे प्रूव कर पाते हैं तो काफ़ी खेतरी रीजन के अंदर या हमें काफ़ी सारे ऐसे आर्ट मिले हैं जो हरपन आर्ट हैं जो कि सिटियाइट मार्केट जो हरपन सिविलाइजेशन के थ्रू बनाई जाती थी उनके एविडेंसेस मिले वो ये इंडिकेट करते हैं कि पास्ट में इन दोनों ही साइट्स की खेतरी के और हरप्पा के कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स थे इसके अलावा एक और एविडेंस मिला है जो खेतरी रीजन था उसके अंदर एक ज्ञानेश्वर जोधापुर कल्चर की एक पोयट्री बनाई जाती थी जो काफी डिफरेंट थी हरप्पन कल्चर से तो इसके कुछ एविडेंस हमें हरप्पन साइट्स पे मिले थे ठीक है सिमिलरली हमें ये फाइंड uh, आउट हुआ था कि खेतरी रीजन के अंदर काफी सारी कॉपर की वेल्थ थी तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि मे भी खेतरी के लोगों ने हरप्पन पीपल को Uh, क्या बोलते हैं कोपर एक्सपोर्ट किया था ठीक है तो क्वेश्चन 2015 में आया फो मार्क्स के अंदर कि आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है कि किस तरीके से हरप्पन्स जो थे वो रो मटेरियल को ऑब्टेन करते थे प्रोक्योर करते थे दो तरीके थे या तो वो खुद की सेटलमेंट्स छोटी छोटी बना लेते थे या फिर बाई सेंडिंग एक्सपीडिएशन जिसके अंदर हमने खेतरीय रीजन का एक्जाम्पल पढ़ा ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्टेक्ट विद स्टैंड लेंथ तो ये तो हमारी विद इन इंडिया हो गए ठीक है ये बाई लैंड रूट्स ही जाते थे लेकिन हमारे बाहर की सिविलाइजेशंस के साथ भी रिलेशनशिप्स थे जिसके लिए हम बाय बोट या बाय शिप बाय वाटर ट्रैवल करते थे उनमें से पहला आया है हमारा ट्रेडिंग पार्टनर दैट वाज ओमन कोपर ट्री ठीक है तो केमिकल एनालिसिस के अंदर ये पता लगाया गया है कि जो ओमनी कोपर था या फिर जो हरप्पन आर्टिफेक्ट्स थे उनके एक कॉमन ऑरिजिन है जो निकल उनके अंदर यूज होता था वो एक कॉमन ऑरिजिन से यूज होता था ठीक है इसके अलावा कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं कि ओमन के अंदर हमें ये वाला हरप्पन जार मिला है ठीक है इसकी एक काफी थिक लेयर होती थी ब्लैक क्ले से बनी होती थी जो कि हमें हरप्पन वाले रीजन में मिलती थी ठीक है हमें यह तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या

इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपटेमियन सिविलाइजेशन के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप था उसके कुछ एविडेंसेस और भी मिले जैसे हमारी बुक में दिया गया है फिगर 1.18 के अंदर ये सिलेंड्रिकल सील मिली है हमें मेसोपटेमिया से लेकिन इन सील के ऊपर भी हमें जो इंडस रीजन की जो बुल्स होती थी उनके मोटव्स मिले हैं उनकी स्टैम्प्स हमें मिली है ठीक है इसके अलावा एक सेल मिली थी दैट इज डिपिक्टिंग बोट जो ये इंडिकेट uh, करती है कि हम बाई बोट भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे थे ठीक है इसके अलावा एक बहरान करके और एक रीजन था तो ये तीनों ही जो रीजन है हमें इस मैप पे देखते हैं ये है हमारी सिविलाइजेशन यहां पे बहरान है यहां पे दिलम है यहां पे मगन है और यहां पे हमारी इंदस वैली सिविलाइजेशन है तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस की ये जो सिविलाइजेशन थी आपस में कनेक्टेड थी ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते तो दैट इज सिल्स स्क्रिप्ट एंड वेट्स पहला आता है हमारा सेल्स एंड सीलिंग्स तो ये बेसिकली स्टैंप होती थी आज के टाइम पे भी आपने काफी सारी मोहर या स्टैंप्स है ना तो यूजअली इसी तरीके का क्ले का कुछ स्ट्रक्चर बना होता था जिसपे कुछ मोटर्स बने होते थे यानी कोई बुल बना है या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो इन दिस वैली सिविलाइजेशन या उस पर्टिकुलर एरिया को सिग्निफाई कर रहा होता है ठीक है तो ये मिली थी तो ये फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एक तो सबसे पहले ये जो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर अब जो कोई भी हम सामान भेज रहे हैं किसी भी दूसरी सेटलमेंट में या आउट ऑफ द कंट्री अगर हम भेज रहे हैं तो उसके पर इसको लगा दिया जाता था तो ये जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी देता था कि रीजन बताया जाता है कि सिल को लगाने का मेन रिसीवर तो तो समझ जाता था कि बीच में, में छेड़छाड़ नहीं हुई है प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेफ है तो हां यही कि सेंडर की आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हम इसको यूज करते थे सेकेंड आता है वेट्स तो के अंदर एक बड़ा ही प्रिसाइज सिस्टम था एक्सचेंज का वेट का ठीक है तो इस तरीके के स्टोन्स थे ठीक है ये जैसे हमारे वेट्स आज के टाइम पे दुकानों पे यूज किए जाते हैं सिमिलर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था क्यूबिकल स्ट्रक्चर था एक चर्ट नाम के स्टोन का बना हुआ था इनसे वेटिंग मेजरिंग की जाती थी इसके बाद हमें एक मेटल स्केल पैन का एविडेंस भी मिला है तो ये भी पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने स्केल

सिंबल्स ऐसे ही बने होते थे तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि मे बी ये ओनर का टाइटल होगा उनकी उस लैंग्वेज के अंदर ठीक है या फिर एक और आर्ग्यूमेंट आती है कि उनके ऊपर जो मोटिव या जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है बुल वगैरह ये जनरली उन लोगों के लिए होता था जो नहीं पढ़ पाते नीचे टाइटल लिखा हुआ तो वो उस मोटिव को देख के समझ जाते थे ठीक है तो दैट वॉज अबाउट द स्क्रिप्ट नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एट टॉपिक आता है हमारा एंशियंट एथ्योरिटी जिससे पहले हम फोर्थ टॉपिक के अंदर सोशल डिफ्ट के बारे में पढ़ के आया था कि क्या कोई हाइराइकल डिफरेंस था और अमीर करीब का कोई डिफ्रेंसिएशन था उसके हमें इतने एविडेंसेस नहीं मिले ठीक है सिमिलरली एक और क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ पे कोई किंग था राजा था कोई अथॉरिटी थी जो इनके ऊपर रूल करती थी ठीक है तो यहाँ भी हमें कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिला है हमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम कनेक्ट करके हमने अपना आंसर फ्रेम कर लिया है तो बेसिकली मोहनजदारों के अंदर एक बहुत बड़ा पैलेस मिला था तो काफ़ी आर्कोलॉजिस्ट स्पेक्टुलर हैं कि मे बी ये किसी राजा का पैलेस हो सकता है ठीक है किसी रूलिंग अथॉरिटी का पैलेस हो सकता है सिमिलरली हमें एक स्टोन मिला था स्टोन ऐसा स्टैचू मिला था जिसको हम प्रेस्ट किंग नाम से लेबल करते हैं और ऐसा ही सिमिलर स्टोन या फिर ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर जो मेसोपोटेमियन हिस्ट्री होती है उनके अंदर दिया गया है उनके राजा को ठीक है तो यहाँ से काफी पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं कि मे बी दस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कोई राजा होता था और इसी के हमें ये स्ट्रक्चर्स मिले हैं ठीक है तो अब यहां पे तीन ग्रुप ऑफ थॉट है जो अपनी अपनी राय देते हैं कि क्या हो सकता है यहां पे रूलिंग अथॉरिटी के बारे में तो जो ग्रुप वन है वो ये कहता है कि हरप्पन सोसाइटी के अंदर कोई भी रूलर नहीं था एवरीबडी इंजॉयड इक्वल राइट ठीक है सेकेंड ग्रुप ये कहता है कि कोई एक राजा नहीं था बहुत सारे राजा थे यानी मोहनज का अपना एक अलग राजा था हप्पा का ऐसा था तो अब डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स होते थे ठीक है लेकिन थर्ड ग्रुप जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है वो ये कहता है कि एक सिंगल स्टेट था एक सिंगल पावर

अथॉरिटी ऑफ हरप्पन सबस्टेंशिएट क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी हमें रिलिवेंट एविडेंस मिला ही नहीं है तीन ग्रुप ऑफ थॉट्स है उनके बारे में लिखना है ये जो 2018-15 में आया है सेम क्वेश्चन है लाइनों को घुमा फिरा के दे दिया जाता है कंफ्यूज ना हुआ करो हमें पूरा वही लिखना है ठीक है इसके बाद नाइन टॉपिक पे आता है तो दैट इज द एंड ऑफ सिविलाइजेशन तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हरप्पन सिविलाइजेशन काफी अच्छी थी ट्रेड रिलेशन से काफी अच्छी फ्लरिश हो रही थी लेकिन एटीन हंड्रेड तक आते आते हमें एक मेजर शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है जो मेच्योर हरप्पन साइट्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी डिसअपियर होती जा रही थी ठीक है अब जो एक्चुअल रीजन है वो अभी भी डिबेटेड uh, है अभी भी हमको नहीं पता है ये स्टार्टिंग होती है चौलिस से धीरे 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 करके जो इनका मटेरियल कल्चर जो पहले होता था जो uh, हमने देखा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन का एक अलग से कल्चर था उसके वेथ्स थे सील्स थे स्पेशल बीच थी खुद का ये सब था ये धीरे धीरे सडनली डिसअपियर होने लगा था और एक नया कल्चर एग्जिस्टेंस में आने लगा था उसी को हम लेट हरप्पन फेज या फिर सक्सेसर कल्चर बोलते हैं इसके अलावा गुजरात हरियाणा वेस्टर्न प्रदेश के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो गई थी ठीक है तो आपके पीछे दो रीजन्स बताए जाते हैं बट कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये सही है ये

स्पेसिफाई किया गया था जिसके अंदर काफी सारी डेड बॉडीज मिली थी सिमिलरली 1925 के अंदर मोहन के अंदर 16 स्केलेटन मिले थे तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये मे बी एक मैस्कर है या फिर वॉर हुआ है जिसके अंदर इन लोगों को मारा गया है ठीक है ये किसी भी नेचुरल इंसिडेंट की वजह से नहीं हुए है। तो नाइनटीन के अंदर जो आर व्हीलर e. होते हैं वो कहीं ना कहीं इस एविडेंस uh, को या जितनी भी डेड बॉडीज़ मिल रही थी या जो भी एविडेंस हो रहे थे उनको को करते हैं ऋग्वेदा के साथ और ये आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे आर्यन इन्वेशन हुआ था तो जो एक नोमेडिक ट्राइब आई थी इंडो यूरोपियन ट्राइब थी आर्यन वो सडनली यहाँ पे आई थी एंड इन्होंने इंदिस वैली रिवर को इंदिस वैली सिविलाइजेशन को कॉनकर कर लिया था और यहाँ से जो एक तरीके से डिसमाइस होता है या डिसअपीरेंस होता है इंदिस वैली सिविलाइजेशन का वो स्टार्ट होता है ठीक है तो हमने पढ़ लिया इंदिस वैली सिविलाइजेशन के बेसिक आइडियोलॉजी लग गई है कि आज तक आते आते वो कैसे खत्म हो गई थी उसका रीजन अभी भी डिबेटेबल है बट इट एक्सटेंडेड अब टेंथ टॉपिक आता है डिस्कवरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन इसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि, कि किस तरीके से इस हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था फाइंड आउट किया गया था ठीक है तो इसमें हमें दो पॉइंट्स पढ़ने हैं बेसिकली एक है कनिंगम uh, की कंफ्यूजिंग ठीक है तो बेसिकली कनिंगम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारे ए के तो एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर

तो बेसिकली इसी जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ था या जो एविडेंसेस या फिर जो डेटा हमारे सामने था क्योंकि गंगा वैली का हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड था उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी ठीक है इन्होंने कुछ चाइनीज बुद्धिस्ट अकाउंट्स पढ़े थे जो बेसिकली यहाँ पे फोर्थ टू सेवन्थ सेंचुरी के अंदर आए थे तो उसी बेसिस पे ये अपनी रिसर्च कर रहे थे ठीक है अब जब रिसर्च करते हैं तो इन्हें काफ़ी सारी साइट्स मिलते हैं या काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो हरप्पन साइट के होते हैं लेकिन इन्हें या किसी को भी पता ही नहीं था कि हरप्पा नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती थी तो ये उन चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करते हैं ठीक है और कहीं ना कहीं ये उसको जो गंगा वैली वाले फेज है उसी के साथ जोड़ के उनको कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं तो बेसिकली हुआ गया था एक इंग्लिश मैन ने इन्होंने एक हरप्पन सील दी थी जब यहां का एक्सक्रवेशन हो रहा था एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे ठीक है तो एक हरप्पन सील जब इनको दी गई थी तो क्योंकि इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हरप्पा नाम की भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है तो इन्होंने इस सील को अपनी जो स्टडी कर रहे थे ये फाइव हंड्रेड के आसपास की थर्ड टू सेवंथ सेंचुरी के आसपास की उसी के अंदर फिट करने का ट्राई किया तो ये एक कन्फ्यूजन था यानी हमें एविडेंसेज मिलना स्टार्ट हो गए थे बट तब तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाए थे कि ये हरप्पन सिविलाइजेशन का है हम उसको गंगा प्लेन से ही रिलेट कर रहे थे तो ये एक मेजर कन्फ्यूजन हुई थी हमारे फर्स्ट एएसआई के थ्रू अब आता है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन बट लेटर ऑन क्या होता है ऐसी काफी सारी सेल्स हमें मिलने लगती है दयाराम सहानी को मिली थी 20th सेंचुरी के अंदर उसके बाद 19 सॉरी uh, उसके बाद रकल दास बनर्जी को एक मोहनजदारों से सील मिली थी तो इस तरीके से पता चला था कि इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो गंगा प्लेन से नहीं हुआ है उससे पहले भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी दैट वॉज इन दस वैली सिविलाइजेशन और वो इन दस नदी के पास थी तो फाइनली 1924 के अंदर जो उस टाइम के हमारे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के जॉन मार्शल उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई सिविलाइजेशन मिली है वर्ल्ड की ठीक है एक नई ही नई ये कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन थी मेसोपटेमिया की कि उसकी उससे पहले हम यही सोच के बैठे थे कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट उल्ड सिविलाइजेशन मेसोपेटेमिया थी लेकिन अब यहां पर हमें एविडेंसिस मिलना स्टार्ट हुए थे एंड दैट्स हाउ हरपन सिविलाइजेशन केम इन एग्जिस्टेंस उसका डिस्क हुआ था ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन तो यहां पे आर एम व्हीलर के बारे में दिया गया है जो बाद में 1944 के अंदर डायरेक्टर जनरल बनते ए एस का ठीक है तो बेसिकली ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं एक्सकेवेशन कर रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर वो स्टेट्रोग्राफी के हिसाब से होनी चाहिए अब स्टेट्रोग्राफी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है तो बेसिकली क्या होता है ये एक स्टडी है साइंटिफिक स्टडी है तो जो हमारी सपोज ये एरिया है ठीक है इसकी सॉयल की लेयर्स होती है ठीक है जो सबसे पुरानी लेयर होती है वो सबसे पुराने कल्चर की होती है और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे न्यू कल्चर की होती है ठीक है तो जब इस मिट्टी को खोदा जाता है इसको कलेक्ट करके इनको लैब्स में लेके जाया जाता है इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट टेक्चर्स होते हैं और इनके विद इन जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिटेक्ट्स मिलते हैं उनको हम टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये इस टाइम का है फिर इससे ऊपर वाला इससे थोड़े से ऊपर टाइम का है ठीक है इस जो ये लेयर्स की स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी तो इन्होंने मेजर यही बोला था कि हमें स्ट्रेटीग्राफी के थ्रू फोकस करके इस एरिया को रीच ठीक है लेकिन ऑल आफ्टर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पोर्शन आता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पाकिस्तान के पास चला गया था इंडिया के पास रहा ही नहीं था लेकिन नाइनटीन के बाद से इस हरप्पन आर्कोलॉजी के अंदर इंटरनेशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है बिकॉज ये काफी डिफरेंट सिविलाइजेशन थी कि किस तरीके से उस टाइम के लोग इतना प्लानिंग के साथ सारी चीजें कर सकते थे तो बहुत सारे सबकॉन्टिनेंट और अब्रोड के जो साइंटिस्ट है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके जैसे कि एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेसिस ऑफ क्ले स्टोन मेटल प्लांट्स एनिमल्स तो इसके ऊपर अभी मेजर रिसर्चर है और आए दिन हमें कुछ ना कुछ नई साइट से नई एक्सकेवेशन देखने को मिलती है ठीक है तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा और चीज़ें मिल पाए एंड ऑनेस्टली अगर वो जो स्क्रिप्ट uh, है हम उसको डेसीफर कर पाएंगे तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट बेटर रहेगा हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे और हम अपने पास्ट के बारे में जान पाएंगे ठीक है इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर पास्ट अब जो ये हमें काम दिख रहा है कि स्टेटेग्राफी या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को लगा के हम एविडेंसेज निकाल के ला रही ये एक्चुअली में इतना आसान नहीं है बहुत मुश्किल काम है सबसे पहली मुश्किल होती है क्लासीफाइंग द फाइंड्स ठीक है आप जो भी मटीरियल एविडेंसेज uh, हमें मिलते हैं उनको बेसिकली हमारे आर्कोलॉजिस्ट दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं एक करते हैं मटेरियल के अंदर और एक करते हैं फंक्शन के अंदर जो भी एविडेंस मिला एक तो मटेरियल और एक फंक्शन तो सबसे पहले वो पहचानते हैं कि मटेरियल क्या है स्टोन है क्ले है मेटल है बोन है क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है उसके बाद उसका फंक्शन देखते हैं आप फंक्शन कैसे देखते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था जो सिडलम वाला एक एग्जाम्पल था सिलवट्टे जैसा जो वो सिंपल प्रोसेस दिखता था तो वो क्या करते हैं आर्कोलॉजिस्ट को जो स्ट्रक्चर मिला अब हमें पता तो है नहीं किया, किया। कि यह क्या है उसके ऊपर लिखा थोड़ी ना हुआ है कि ये फलाना चीज है ठीक है तो उसको प्रेजेंट डे की एनोलॉगी के साथ हमें आइडेंटिफाई करना

टास्क होता है दैट इज द फंक्शन उसके स्ट्रक्चर को पता करना अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो बेसिकली जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आई वो हमें रिलीजियस प्रैक्टिस के जो एविडेंसेज मिले थे उनको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे काफी सारे अनयूजअली या अनफेमिलियर फेमिलियर कैरेक्टर्स इस तरीके की शेप्स मिली थी ठीक है तो उन्होंने उसको किसी ना किसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ जोड़ के उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया ठीक है तो इसके अंदर हमें एक टेराकोटा फिगराइन मिली थी वुमेन की ठीक है जो काफ़ी सारी उसने ज्वेलरी डाली हुई थी हेड ड्रेस था तो इसको रिगार्ड किया गया था कि ये मदर गॉडेस थी मे भी कोई ना कोई इस तरीके की डीटी होती होगी जिनको ये वर्शिप करते होंगे यहाँ के लोग ठीक है सिमिलरली जब ग्रेट बात मिला था या फायर अल्टर्स मिले थे कालीबंगन और लोथल के अंदर तो वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने यही आइडेंटिफाई किया था कि ये किसी रिचुअल पर्पज़ के लिए होंगे ठीक है इसके अलावा सिल्स के ऊपर हमें या तो प्लांट मोटव्स मिलते थे या फिर एनिमल्स के मिलते थे तो प्लांट मोटिव को यूजअली ये रिगार्ड किया गया कि ये हमें ये आइडेंटिफाई करते थे कि हमें नेचर को वर्शिप करना चाहिए ठीक है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन एक एनिमलिकॉर्न को काफी बार डिपेक्ट किया जाता था तो आर्कोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया थोड़ी सी कि ये भी मिथिकल या फिर एक कॉम्पोजाइट क्रिएचर है जो किसी ना किसी रिलीजियस थिंग को ही पॉइंट आउट करता है इसके अलावा एक सील मिली थी जिसके अंदर एक योगिक पोस्चर के अंदर एक आ, फिगर बैठी हुई है क्रॉस लैग करके तो आर्कोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं ये डिपेक्ट किया था कि ये मे बी प्रोटो शिवा यानी भगवान शिव से कंपैरिजन किया जा रहा हो ठीक है लेकिन ये प्रोसेस यार इतना सिंपल नहीं होता अब कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव जी भगवान को डिपेक्ट करता है तो उस टाइम पे जो गॉड थे उसको वर्शिप किया जाता था लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये शमन है शमन बेसिकली वो इंसान होते हैं जो मैजिकल और हीलिंग पावर को क्लेम करते हैं ठीक है एंड दे हैव द अबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड तो ये भी डिफरेंसेस आते हैं अब कुछ आर्कोलॉजिस्ट कुछ क्लेम करते हैं कुछ कुछ क्लेम करते हैं ठीक है इसके अलावा हमें बट हमें ये याद रखने हैं अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमें फ्रेम करने के लिए जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ा टेराकोटा फिगराइन ग्रेट वाथ यूनिकॉर्न वाला हो गया अब हम इसका लिख सकते हैं यौगिक पॉस्चर के अंदर कुछ आर्ग्यू करते हैं दैट ये प्रोटो शिवा है कुछ आर्ग्यू करते हैं दैट ये शमन है ठीक है इसके अलावा हमें शिवलिंग्स के भी काफी सारे कैरेक्टर्स मिले जैसे ये फिगर वन के अंदर है ठीक है तो यहाँ से काफी सारे रिलीजियस एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो अब क्वेश्चन आता है जैसे टू में आया फोर मार्क के अंदर कि अर्ली हरपियन आर्कोलॉजिस्ट ने ये जो ये सर्टेन अन या फिर अनफेमिलियस ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिले थे इनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस का माना उनको डिफाइन करना है तो हमें ये जितने भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उनको ही हमें डिटेल में लिखना है सिमिलरली ट्वेंटी और ट्वेंटी में भी फोर मार्क्स में आया था, तो इसको हमें लिखना है ठीक है तो अब चल जल... सो so बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है नो काफ़ी लेंदी चैप्टर था बड़ा कंफ्यूजिंग था कहाँ से हम कहाँ तक आ गए ठीक है बट एक बार समराइज कर देती हो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए या फिर एक सेकंड तरीका ये है कि आप एक बार पहले वीडियो को आ, इस नॉर्मल स्पीड पर देखो लेकिन फिर दूसरी बार आप इसको थोड़ा सा हाई स्पीड करके देख सकते हो तो उससे आपको स्टोरी गैदर हो गया आप जब दो बार चीज़ों को रिवाइज करोगे ठीक है तो समरी देखते हैं तो बेसिकली हमने हरपन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से डिस्कवर की गई थी और ये डिस्कवर करना कोई आसान प्रोसेस नहीं था इवेंचुअली हमें स्टार्टिंग में जब हमारे पहले एएसआई एस कुनिंगम को हरप

करके अभी जो हमारे सामने हिस्ट्री है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो हमने यहां के लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करके रखते थे कुछ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन्होंने डेवलप कर ली थी सबसे मेस्ट सॉरी मोस्ट डिस्टिंगटिव जो फीचर था इस सिविलाइजेशन का दैट वो द प्लान डेवलपमेंट जो कि हमें मोहंजदारों के बारे में देखने को मिली बिकॉज वो एक ऐसी सेटलमेंट uh, थी जो बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी हड़प्पा काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी तो मोहंजदारों के ही ज्यादातर हमें एविडेंसिस मिले हैं पे हमने उसकी जो लोअर वैली थे और सीताडल थे उसके बारे में पढ़ा जो ग्रेट बात होता था वो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस के लिए माना जाता था ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा कि वह जो घरों का स्ट्रक्चर था पहले उसको प्लान किया गया था फिर उसको बिल्ड किया गया था साथ के साथ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड था ठीक है तो ये बेसिक एक तरीके से हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ की गई थी लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या वहाँ पे कोई सोशल डिफ्रेंसिएशन था जिसका हमें कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं पल पाया सिमिलरली अगर हम पॉलिटिकल रूलर या अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उसका भी अगेन हमारे पास कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है ठीक है उसके बाद हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा एंड देन वी फिगर्ड आउट कि किस तरीके से हमारे ट्रेड रिलेशन थे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड दूसरी सेटलमेंट्स के साथ भी ठीक है आई होप यहाँ तक समरी थोड़ी सी समझ में आई हो इसके बाद हमें एम मैप वर्क और वर करना है उनको और देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विज सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग हरपन कल्चर ट्वेंटी के टर्म वन में आया ऑप्शन नंबर सी चुनहदारो इज द राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हरपन स्क्रिप्ट एनिगमेटिक है दैट इज डी ऑप्शन इट हैज नॉट बीन डायसफ सो फार ठीक है थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्कॉलर ग्रुप्स ने रिकन्स्ट्रक्ट uh, की थी डायट्री प्रैक्टिस ऑफ हरपन दैट इज आर की और आरक्यो जो ए ऑप्शन है दैट वॉज फॉर एनिमल्स की उन्होंने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटर्न बाय एरिस्ट मैकी ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के टाउन वन में आया है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी अर्ली इन द सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर तो अगर आपको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर कर रहे हैं और जब से ये वन मार्क का कॉन्प्ट आया है तो हम बेसिकली आप कितने वन शॉट देख लो उसमें आप सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो ठीक है तो अगर कोई रिस्क नहीं लगना है और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एक या दो बार तो एटलीस्ट एनसीआर पढ़ लो जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बुक के नेम्स हैं ऑथर के नेम है इनको आप वहीं पर अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद रहे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये स्टेटमेंट में से बतानी है कि कौन सी आइडेंटिफाई कर पाते हो आप सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कौन से दो स्टेप्स होते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए की एक तो वो रो मटेरियल को आइडेंट करते हैं। और दूसरे दे फाइंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स ये दोनों ऑप्शन सही है फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर ठीक है अब इसके बाद मैप वर्क को देखते हैं हमारे सिलेबस में नो दिस साइड्स दी हुई है उन्हीं से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है तो बेसिकली आता क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको पॉइंट्स बना के दे दिए जाते हैं ए बी सी करके आपको खुद आइडेंटिफाई करके जो हरप्पन मेच्योर हरप्पन की आती है जो भी साइड्स होती है उनको लिखना होता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से तो राखीगढ़ जो है वो हमारा पंजाब में है उसके बाद नीचे हरियाणा में आता है तो यहाँ हमारा बनावली आ जाता है ठीक है साइड में राजस्थान में कालीबंगन आ जाता है उसके बाद गुजरात के अंदर हमारी तीन आती है सबसे ऊपर धोलावीरा साइड के अंदर हमारा लोथल आ जाता है और जो बिल्कुल एंड है रन ऑफ के पास वहां पे हमारी नागेश्वर आ जाती है ठीक है इसके बाद चनुधोरा ये बिल्कुल जस्ट इसके हमें एडजेसेंट राजस्थान और गुजरात के मिड के एडजेसेंट में लगाना है ठीक है ये अभी पाकिस्तान के अंदर है राइट right? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो हरप्पा ये भी पाकिस्तान में है मोहनजदारू ये भी पाकिस्तान में है और कोर्ट दीजिए राजस्थान के बिल्कुल एंड पॉइंट पे मतलब इंडिया पाकिस्तान के हिस्से के बिल्कुल एंड पे ठीक है सो या हैवी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन नेक्स्ट बाय